ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? जो हमारे राष्ट्र में नहीं हो, अर्थात दूसरे देशों में हो, विदेश में हो, विदेशी अर्थात दूसरे देशों में जो गणना की प्रणाली होती है, कहने का जो गिनने का जो प्रोसेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम एडॉप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यूमेरल जो पद्धति है, जो पूरे संसार में अपनाई गई, उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यूमेरल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसको हम लिखते हैं, देखिए, इकाई, यूनिट, एक, 10^0, क्योंकि 10^0 का मतलब, देखिए बाबू, 10^0 का मतलब होता है 1। 10^0 हो या किसी के भी पावर जीरो हो जाए, उसका मतलब एक ही होता है, 10 का हो, 5 का हो। लेकिन अगर आपके मन में लगेगा कि सर 10^0 ही जीरो क्यों लिखे, क्योंकि बाबू हमें आगे 10 के रूप में समझाना है, इसी कारण हम आपको यहाँ 10 लिखने का प्रयास किए। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, दहाई को हम लोग 10 लिखे, सैकड़ा 100, 100, 10^2, 1000, 1000, 10^3, 10,000, 10,000 यहाँ हुआ। अब देखिए 100,000, यहाँ पर लाख नहीं होता है, क्योंकि यह इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में लाख नहीं होता है, 1000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद 100,000 होते हैं। तो 100,000 10^5, अब लाख के बाद 1,000,000 नहीं, यहाँ पर मिलियन होता है, तो मिलियन, तो देखिए यहाँ पर 300 और यहाँ पर क्या होता है, 3 3 के रूप में विभक्त होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। देखिए फर्स्ट 3, उसके बाद भी 3, और नेशनल में क्या होते रहता था, फर्स्ट 3 और उसके बाद फिर 2 2 0, लेकिन यहाँ होगा 3 3 0 पे अलग अलग होते जाएगा। अब देखिए 10 मिलियन, तो 3 0, उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 मिलियन हो गया, यहाँ पर 3 3 0 के रूप में बढ़ते जाता है, 10^7, और 10 मिलियन के बाद होता है बिलियन, यहाँ पर करोड़ नहीं होता है, समझ में आएगा, यहाँ पर बिलियन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, 3 के बाद 3 के बाद, देखिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।